आप सभी को स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। जब आप नहीं खेल पा रहे हो डेड बाय डेलाइट मोबाइल गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइसों में, तो इस एपिसोड में आपको उसी के जैसा एक गेम मिलने वाला है जो बहुत ही पसंद आएगा आप सभी को। थोड़ा सबर कर लो यार, गेम का नाम आपको बता रहा हूँ, गैरेज हाउस मल्टीप्लेयर एस्केप्स। जी हाँ, मल्टीप्लेयर गेम है तो आपको ऑनलाइन ही इस गेम को खेलना पड़ेगा। तो काफी दिन पहले इस गेम के बारे में मुझे पता चला था, लेकिन यार काफी सारे गेम्स के अपडेट आ रहे थे तो इस गेम को हम थोड़ा साइड कर दिया था, क्योंकि गेम काफी अच्छा है तो अच्छा रिव्यू भी होना चाहिए। तो इस एपिसोड में आपको उसी का गेम प्ले मिलने वाला है, काफी मजेदार होगा। थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश किए हैं, एंटरटेन करने की कोशिश की है इस एपिसोड में आप सभी को। जब आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस तरह का और इंटरेस्टिंग फनी गेम प्ले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नीचे रेड कलर का बटन है। तो चलो यार, ज्यादा बात ना करते हुए सीधे हम डायरेक्टली गेम प्ले में चलते हैं। तो इस गेम को आप गूगल प्ले स्टोर से सीधा जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ यार, मुझे पता तो है, लेकिन कोई कोई गेम गूगल प्ले स्टोर में नहीं आता है तो बताना तो जरूरी है। तो डाउनलोड करने के लिए कहीं नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, जाकर उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। गेम कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, होम स्क्रीन यही है, सिर्फ आपको चैट्स देखने को मिल रहा है और नीचे की तरफ कुछ क्राफ्ट, ट्रेड, सॉफ्ट, रैंकिंग और गेम, ये सब मेन्यू आपको मिल जाता है। तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं क्रिएट गेम, आप अपने हिसाब से रूम क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरे ऑनलाइन गेम में हमें करने को मिलता है। और देन आता है क्विक स्टार्ट, जब आप अकेला खेलना चाहते हैं, कोई भी दोस्त नहीं है, इस गेम को नहीं खेलते हैं, तो क्विक स्टार्ट से आप स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। चैलेंज आपको रेकमेंड करूंगा, जब आप एशिया से तो एशिया चूज कीजिए, क्योंकि जब आप एशिया से है दूसरा सर्वर चूज करेंगे तो एमएस जो है यानी पिंग जो है थोड़ा हाई वगैरह हो जाएगा। तो आपको रेकमेंड करूंगा जब आप एशिया से देख रहे हैं वीडियो को, एशिया ही चूज कीजिए इस गेम को खेलने के टाइम। और इसमें काफी सारे इवेंट भी चल रहे हैं तो अच्छा खासा रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेगा, आपको कैरेक्टर चूज करने को मिलेगा, उसको अपग्रेड या फिर उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, उसका स्किल्स वगैरह जो है गेम में काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप अपग्रेड कर पाएंगे। काफी सारा चीजें हैं इस गेम में आपको मिल जाएगा, जैसे आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, वेपन्स बैग क्राफ्टिंग, जी हाँ वेपन्स को क्राफ्ट भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, स्किल भी चूज कर सकते हैं। तो चार प्लेयर, इसमें काफी सारा मोड भी है। तो सबसे पहला जो है स्टोरी मोड है, जिसमें आपको चार प्लेयर एक ही गेम में एंट्री करने को मिलेगा, आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव बेसिकली करना नहीं है, सिर्फ आपको ग्रैनी से बचना है, उसमें ग्रैंडपा भी रहते हैं, रियल गेम प्ले में भी आप देख पाएंगे, तो जितना हो सके उनसे एस्केप्स करना है। काफी सारा मोड्स आप देख रहे हैं, स्टोरी मोड, एस्केप मोड, एस्केप आइटम्स, इन्फेक्शन एंड ऑक्यूपेशन। तो ये पांच मोड्स आपको इस गेम में मिल जाता है, जो डेड बाय डेलाइट मोबाइल से काफी ज्यादा मोड है। तो ग्राफिक्स उससे थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा कम है, लेकिन गेम काफी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा तो लगने ही वाला है। 2000 years later. अरे ये कौन सा घर है? घर है, हवेली है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई तो हिंट दे दो हमें। और पत्थर भी हमारे हाथ में, और ये क्या है? ये तो गेट है जिनमें से हमें निकलना होगा, लेकिन खुलता कैसे है यार? ये तो कहाँ जा रही है? और आगे भी काफी सारे प्लेयर है जो हमें हेल्प करने वाले हैं। ये ग्रानी टॉर्च लेके आ रही है, सिर्फ भागना है हमें, छुपना है, वो हमारा फुटस्टेप सुन सकती है, वो तो हमें पता ही है। ग्रानी तो यार बूढ़ी होके भी बहुत ज्यादा, एक की मिल गया यार, ग्रीन की नाम का की मिला है, दरवाजा का की होगा, लेकिन दरवाजा कहाँ है? घंटा क्यों झोल रहा है ये ग्रानी? ग्रानी ने मारा और हम आ गए जेल पे, घर के अंदर जेल। जेल से तो एस्केप कर लिए, और कोई जेल के अंदर तो नहीं है, उन्हें बचाना भी हो सकता है, लेकिन कोई नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रानी फिर से यार, अभी तो निकल के आए जेल से, फिर से मार दी, फिर से जेल के अंदर। और ये कौन है? ग्रानी का ग्रैंडपा। बढ़िया फैमिली पिक्चर सब लगा के रखे इधर। ये ग्रानी हमारा पीछा नहीं छोड़ती यार, ग्रानी को बेवकूफ बनाते हैं। चलो कोई तो ट्राई कर रहा है एस्केप होने में, हम तो सिर्फ भागे जा रहे हैं। चलो कोई तो सर्वाइवर एस्केप कर चुका है, उसके वजह से हम भी जीत गए, हम भी एस्केप कर लिए। तो फिर भी हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तीसरे नंबर पे जरूर आए हैं 44 XP के साथ। एक बार कैप्चर हो गए थे और अटैक एक बार भी नहीं किए। यार दोस्तों कुछ करके दिखाते हैं, हमें ग्रानी से बचना है और इस प्रिजन से निकलना है, हमें करके जाना है, सबको मार के जाना है। अभी यार इतने सारे ग्रानी कैसे लड़ेंगे यार? फिर भी यार देखते, कोशिश करते, पत्थरबाजी करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे पूरा ग्रानी को। एक घर में इतने सारे ग्रानी कैसे रुकते हैं? खाना कैसे खाते हैं यार ये सब? दरवाजा भी लॉक करके रखे हैं। ग्रानी का मेला लगा हुआ है यार, सब एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं, किसी का शक्ल अलग ही नहीं है, सब एक ही परिवार के हैं तो एक ही जैसे दिखेंगे ना। अरे रे ग्रैंडपा भी है इसमें, लेकिन हमने तो ग्रैंडपा को पिक्चर में देखा था, वो पिक्चर से बाहर कैसे आया? ग्रानी ने किया होगा कुछ काला जादू। तो होप सो ये एपिसोड आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा।
तो गेम काफी छोटा है, 2 MB के अंदर आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। एडिटर चॉइस गेम है, अपडेट गेम इसको डेवलप किए हैं, तो आप सबको मजा जरूर आएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इस गेम को आप 10 में से कितना रेटिंग देना पसंद करोगे। मुझे तो काफी पसंद आया है, आप सबको पसंद तो जरूर आएगा। तो होप सो वीडियो पसंद आया, वीडियो भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। इस तरह का और इंटरेस्टिंग गेमिंग अपडेट्स गेम प्ले देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। डेली कुछ ना कुछ आप सभी के लिए गेम्स प्रोवाइड करते रहते हैं, वीडियोस ऑब्वियसली। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।